बैक टू माई चैनल द स्टफी गर्ल। आई एम काजल कोहली और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को ग्लॉसी कैसे कर सकते हैं जस्ट 7 डेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 डेज में कैसे हो सकता है, तो वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग जो ये मेरा मेकअप लुक देख रहे हैं, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना फेस वॉश। यहाँ मैंने लिया है गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। वैसे तो मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बट अभी वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो रिसेंटली मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी आपका नॉर्मल फेस वॉश है उसी से आप अपना फेस वॉश करें, क्लीन कर लें अपने फेस को अच्छे से। तो सेकंड स्टेप में आपको आइस क्यूब से अपने फेस पे मसाज करनी है। इसको मैंने एक कपड़े में रैप कर लिया है और अभी बहुत जेंटली मैं इससे मसाज करूँगी। इससे मसाज करने से क्या होता है, जो आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो फास्ट हो जाता है। और किसी किसी को बहुत ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे हो जाते हैं और आपका जो फेस का फैट होता है ना वो भी कम होने लगता है धीरे धीरे। तो आप इसको 7 डेज तक डेली करें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट दिखेगा। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा मसाज क्रीम। तो इसके लिए मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल निकाल लें। और इसके बाद मैंने ऐड किया है विटामिन ई कैप्सूल। आप इसकी जगह कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। इसके बाद मैंने ऐड किया है रोज़ वाटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी चीज़ें मैंने अभी यूज़ की है वो सारी 50 रुपीज़ के अंडर ही है। रोज़ वाटर 30 का मिल जाता है, विटामिन ई कैप्सूल 25 या 30 का पैकेट मिल जाता है, और एलोवेरा जेल 45 तक का मिल जाता है। तो आपका इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो अब हम अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगाएंगे। अब हम अपने फेस पे इसे बहुत ही अच्छे से मसाज करेंगे। जैसे कि आप फेशियल करवाते होंगे तो फेशियल के टाइम पर जो स्टेप यूज़ होते हैं ना, उसी स्टेप में आपको अपने फेस पर मसाज करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 5 से 10 मिनट तक आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। ये जो क्रीम मैंने बनाई है ये बहुत बहुत सॉफ्ट है, इससे मसाज करके बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्किन ऐसे बटर जैसी लग रही थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि किसी की स्किन देख के ऐसा लगता होगा कि काश ऐसी स्किन मेरी भी होती, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे फेस पे भी पहले बहुत पिंपल्स एक्ने वगैरह थे और बहुत ही बेकार सा फेस था। जिन लोगों ने मुझे रियल में देखा है ना, उनको पता होगा कि मेरे फेस पे कितने पिंपल्स थे, लेकिन अभी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और सॉफ्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है कि एक कपड़े को हमें कोल्ड वाटर में डिप करना है और उससे अपना पूरा फेस क्लीन करना है। जो क्रीम हमने अपने फेस पे अप्लाई करी थी उसको रिमूव करना है। और आप अभी मेरा फेस देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरा फेस थोड़ा डल हो रहा था और अभी कितना क्लीन लग रहा है, और मुझे भी अपना फेस बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। इसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब। इसके लिए मैंने भीगे हुए चावल लिए हैं। आई थिंक चावल ज़्यादा हो गए मेरे फेस के अकॉर्डिंग, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद मैंने ली है नीम की पत्तियाँ जो मैंने धोकर साफ कर ली है। अब हम इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। हमारा जो स्क्रब है रेडी हो चुका है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको मैंने 1 से 2 बार ट्राई किया है और ये बहुत बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। अब तक का ये मेरा फेवरेट स्क्रब बन चुका है। तो अब हम इसे अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको स्क्रब करेंगे। स्क्रब तो आपको पता ही होगा कि हमें वीक में 1 से 2 बार ही करना होता है, तो आपको ऐसे ही करना है। जो स्क्रब है मैंने दोनों फेसेस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसके फेस पे पिंपल एक्ने है और जिसका फेस मतलब बहुत डल है। जो नीम है वो आपकी पिंपल और एक्ने को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जो राइज है वो आपकी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करेगा। तो ये स्क्रब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको दिखेगा। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया है, सिर्फ नीम की पत्तियाँ है और चावल है, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्क्रब करने के बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले कोल्ड वाटर से। तो अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप मेरा इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरी स्किन स्टार्टिंग में कितनी डल सी हो रही थी और अभी कितनी ग्लोइंग सी लग रही है, और मुझे भी अपना फेस बहुत सॉफ्ट लग रहा था। इसके बाद हम अपने फेस पे टोनिंग करेंगे। टोनिंग के लिए मैंने वही रोज़ वाटर यूज़ किया है, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ कि हम रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज। इसके लिए मैंने लिया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। आप जो भी अपने घर में यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स की लिप बाम, ये बहुत ही अच्छे है और आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो वैसलीन वगैरह होती है वो यूज़ कर सकते हैं। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना जो आपके लिप्स होते हैं वो ड्राई से फटे फटे से रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी।